सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बजटेड वेरिएंस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजटेड वेरिएंस क्या होता है और कब इसका आंसर फेवरेबल होता है, कब इसका आंसर अनफेवरेबल होता है, और बजटेड एफओएच का फार्मूला क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, और एक्चुअल एफओएच क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बजटेड वेरिएंस क्या होता है। बजटेड वेरिएंस जो होता है ना, बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच का जो आंसर होता है या जो इनके इनके अमाउंट के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच की अमाउंट के अंदर जो डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं बजटेड वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, इनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं बजटेड वेरिएंस। और कब इनका आंसर फेवरेबल होता है और कब अनफेवरेबल होता है, जब बजटेड एफओएच, मतलब अभी कॉमन सी बात है, आपने अंदाजा लगाया यार मैंने ये प्रोडक्शन करनी है, मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, आपने अंदाजा लगा लिया 1,00,000 रुपया मेरा खर्चा होगा, आपने क्या अंदाजा लगाया मेरा 1,00,000 रुपया खर्चा होगा, तो ये क्या आपने एक बजट मुकर्रर कर दिया, इसको हम कहेंगे बजटेड एफओएच। तो जब एक्चुअल में जब काम हुआ ना, तो आपका 90,000 रुपया उस बिल्डिंग को बनाने में खर्चा आया, तो कॉमन सी बात है आपने खर्चा जो था, एस्टीमेट जो था वो ज़्यादा लगाया था, आपने बजट उसके लिए ज़्यादा मुकर्रर किया था, पर एक्चुअल में जब आपका काम हुआ तो उसका जो खर्चा है वो 90,000 रुपया आया, तो 10,000 रुपया आपको बच गया। तो जो अमाउंट बच जाती है, जो हमें मुनाफा होता है, हमें फ़ायदा हुआ ना यार, एक्चुअल में हमारा खर्चा कम आया और हमने अंदाज़ा जो था वो ज़्यादा लगाया हुआ था, तो 10,000 रुपया, ये देखिए नीचे लास्ट में लिखा हुआ है फेवरेबल, 10,000 रुपया हमें बच गया, और जो फेवरेबल अमाउंट होती है वो हमारी क्रेडिट होती है। अभी अनफेवरेबल की एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने अंदाज़ा लगाया मेरा 1,00,000 रुपया खर्चा होगा, तो आपकी बजटेड एफओएच आपने अंदाज़ा लगाया 1,00,000 रुपया होगा, एक्चुअल में जब आपकी एफओएच थी जो वो आई 1,10,000, मतलब आपका जो खर्चा था एफओएच का वो 1,10,000 आया बिल्डिंग बनाने में, इसका मतलब आपने 1,00,000 अंदाज़ा लगाया था पर खर्चा 1,10,000 हुआ है, तो 10,000 जो है वो आपका ज़्यादा हुआ है बजटेड से, तो इसका मतलब जो 10,000 आपका ज़्यादा हुआ है वो आपका अनफेवरेबल है, आपका एक किस्म का नुकसान है, आपने अंदाज़ा थोड़ा लगाया था हो ज़्यादा गया, तो ये क्या अनफेवरेबल, जिसको हम डेबिट भी कहते हैं। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। और अगर आपने बजटेड एफओएच कैलकुलेट करना है, आपको नहीं पता यार बजटेड एफओएच क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल कैपेसिटी। वेरिएबल एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है, जो करंट ईयर की, मतलब जितनी प्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी प्रोडक्शन करती है प्रीवियस ईयर में 5,000 की, तो वो क्या उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है, पर करंट ईयर में उसने प्रोडक्शन की है 6,000 की, ये क्या उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। तो एक्चुअल कैपेसिटी जो करंट ईयर की प्रोडक्शन होती है, जितनी यूनिट आपने बनाई होती है, उसको एक्चुअल कैपेसिटी बोलते हैं। तो वेरिएबल रेट जो है, वेरिएबल एफओएच को हम यूनिट्स पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास वेरिएबल रेट आ जाता है। इसी तरह वेरिएबल रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल कैपेसिटी से, और फिक्स्ड एफओएच जो है उसके साथ प्लस कर देंगे, हमारे पास बजटेड एफओएच आ जाती है, और फिर इनका डिफरेंस ले लेते हैं, वो हमारा क्या होता है बजटेड वेरियंस। सिंपल सा था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।